बेस्ट जी कैम यानी कि गूगल कैमरा फॉर रियलमी एक्स टू। जी हाँ, अगर आपके पास है रियलमी एक्स टू तो आपके लिए बेस्ट जी कैम वाला वीडियो हम लेकर आ गए हैं, जिसका इंतजार शायद आप लोगों को कुछ दिन से था, क्योंकि कमेंट सेक्शन में मुझे देखने को मिल रहा था कि भाई साहब कोई बेस्ट जी कैम गूगल कैमरा सजेस्ट करो रियलमी एक्स टू के लिए, जो इसमें पूरी अच्छी तरह से काम करता हो। क्योंकि गूगल कैमरा का बहुत सारा वर्जन है जो कि आप फोन में इंस्टॉल भी नहीं कर सकते हैं, और कुछ ऐसे भी वर्जन है इसे इंस्टॉल तो कर सकते हैं लेकिन जो फीचर है वो पूरी तरह से काम नहीं करता। तो यहाँ पे हम वो वाला गूगल कैमरा वर्जन लेकर आए हैं जो इस फोन में इंस्टॉल भी हो रहा है और सारे फीचर, जी हाँ जितने भी फीचर है वो सभी काम कर रहे हैं। तो अगर आपके पास है रियलमी एक्स टू तो जरूर से वीडियो को देखिए। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं टेक्नो अड्डा। अगर आपको यह गूगल कैमरा यूज करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है गूगल ड्राइव का, उस पर क्लिक कीजिएगा और डाउनलोड का आपको ऑप्शन मिल जाता है, तो वहां क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सीधे आप देख सकते हैं जो कैमरा इंटरफेस है वो किस तरह से आपको मिलता है, एकदम जो अभी का कैमरा इंटरफेस है रियलमी का, जी हाँ जो नॉर्मल कैमरा है उसका इंटरफेस और जो गूगल कैमरा का इंटरफेस है कितना अलग है आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा। और ये मैं कह सकता हूँ कि रियलमी यूआई जो आपके आने वाले समय में रियलमी एक्स टू में देखने को मिलेगा उसके नज़दीक कह सकते हैं कि ये वाला कैमरा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर फीचर भी अलग है, बाकी के सभी फीचर एकदम सिमिलर ही है लेकिन जो अलग फीचर है वो उसके बारे में हम आपको यहाँ बता देते हैं। सबसे पहले यहाँ फोटो में ही आपको EIS का सपोर्ट मिल जाता है, जी हाँ मोशन ऑन और मोशन ऑफ करके कुछ फीचर है, तो जो आपको वीडियो में EIS मिलता है यहाँ पे फोटो में भी EIS वाला सपोर्ट दे दिया गया है। साथ ही अगर मैं आपको नए फीचर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको एक फोटो बूथ नाम का ऑप्शन मिलता है, जी हाँ फोटो बूथ ऑप्शन, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं अगर आपको फनी फोटो वगैरह बनाना है, मतलब कि अपना चेहरा वगैरह ऐसे वैसे करके कार्टून टाइप का फोटो, तो यहाँ से आप वो फोटो ले सकते हैं। जी हाँ अगर आपको फोटो बनाना हो तो यहाँ से आप बिल्कुल वो फोटो क्लिक कर सकते हैं, और फनी टाइप के जो भी आपको इमोजी वगैरह कुछ बनाना हो तो बना सकते हैं, यहाँ पे कुछ फिल्टर वगैरह भी दिए गए। अगला जो यहाँ पे फीचर आपको नया दिया मिल जाता है वो है फोटो स्फेयर का, जी हाँ फोटो स्फेयर मतलब 360 में अगर आपको फोटो लेना है तो आप इसका उपयोग करके 360 में ले सकते हैं। ऊपर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं तो जो भी मोड आप सिलेक्ट करते हैं उसमें आप फोटो क्लिक कर सकते हैं 360 एंगल में। और अगला जो नया फीचर यहाँ आपको देखने को मिलता है वो नाइट साइड का एक ऑप्शन है, जी हाँ ये नाइट स्केप जो आपको रियलमी डिवाइस में मिलता है वो वाला फीचर नहीं है, क्योंकि इसमें अगर आप फोटो किसी भी कंडीशन में क्लिक करते हैं तो वो ब्लैक एंड व्हाइट टाइप का फोटो बन जाता है, जी हाँ ब्लैक एंड व्हाइट, जी हाँ अभी लाइट में फोटो लिया है तो आप देख सकते हैं फोटो जो है ब्लैक एंड व्हाइट टाइप का हो चुका है, मतलब फोटो के ऊपर में नाइट इफेक्ट हो जाता है। ये नहीं कि आप नाइट कंडीशन में लिया गया फोटो इंप्रूव हो जाता है, बल्कि यहाँ पे जो फोटो आप लेते हैं उसको नाइट मोड में बना दिया जाता है। ये कुछ फीचर नया है, बाकी के जितने भी फीचर है वो लगभग पूरे सिमिलर ही है, कोई नया फीचर आपको यहाँ नहीं मिलता है। लेकिन हाँ एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि अगर आप सेल्फी लेते हैं, जी हाँ अगर आपको सेल्फी लेना हो तो यहाँ पे आपको अच्छी क्वालिटी की फोटो देखने को मिल रहा है। मैं आपको यहाँ पर एक दो सैंपल एक ही सैंपल दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं ये हमने पोर्ट्रेट शॉट क्लिक किया था और देख सकते हैं फोटो कुछ इस प्रकार से आपको मिलता है, डिटेलिंग बहुत ही अच्छी है और जो नेचुरल फोटो होना चाहिए वो यहाँ पे आपको दिखता है। बट बाकी रियलमी एक्स टू में ही तो आपको पता है कि आपका जो फ्रंट से फोटो लेते हैं तो चेहरा एकदम से रेड टाइप का हो जाता है, बट यहाँ पे आपको अच्छा नेचुरल फोटो देखने को मिल रहा है। तो सेल्फी में डेफिनेटली इंप्रूवमेंट है और रियर कैमरा में कुछ खास इंप्रूवमेंट मैंने नोटिस नहीं। तो अगर आपको गूगल कैमरा यूज करना था अपने एक्स टू डिवाइस में तो जरूर से ये वाला मैं कहूंगा यूज कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आई होप कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा, जरूर से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आपसे विदा लेते हैं, तब तक के लिए जय जय भारत एंड टेक केयर।